रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये पहला चैप्टर है कॉस्ट बीकॉम सेम 3 का। अच्छे से सुनिए, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? नाम से पता चल रहा, रिकॉन्सिलिएशन माने क्या कराना, डिफरेंस जो होगा उसको समाप्त करना, मैच कराना। क्या कराना? मैच। इसको क्या कहते हैं? रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इन कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं किस लिए? इन कॉस्ट प्रिपेयर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच को डिफरेंस को खत्म करने के लिए क्या बनाते हैं? रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? दूसरे भाषा में कह सकते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। समझ पा रहे? रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉन्साइल द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये क्या करेगा? जो डिफरेंस होगा उसको खत्म करेगा, मैच कराएगा। माने कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस को खत्म करने के लिए क्या बनाते हैं? रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है ये बात? अब आप कॉस्ट अकाउंटिंग में बना रहे तो कॉस्ट को देखना है। अगर कॉस्ट का बैलेंस ज़्यादा है तो ऐड करना है, कॉस्ट का बैलेंस कम है तो लेस करना है। कॉस्ट पे बना रहे तो कॉस्ट को देखना है, दूसरा चीज़ को नहीं देखना है। कॉस्ट का बैलेंस ज़्यादा है तो ऐड करना है, कम है तो लेस करना है। कॉस्ट का बैलेंस ज़्यादा है तो ऐड, कम है तो, समझ रहे क्या बोल रहे? कुछ ऐसा इनकम जो बिजनेस से संबंधित नहीं है वैसे इनकम को ऐड कर दें, कोई ऐसा खर्चा जो बिजनेस से संबंधित नहीं है वैसे खर्च को लेस कर दें। रिपीट कर दें, कॉस्ट बना रहे तो हम कॉस्ट का बैलेंस देखेंगे। अगर कॉस्ट का बैलेंस मैच कराने पे ज़्यादा है तो क्या कर देंगे? ऐड। कम है तो लेस। ज़्यादा है उसको कहते हैं ओवर एब्जॉर्ब, कम है उसको क्या कहते हैं? अंडर एब्जॉर्ब। ज़्यादा उसको क्या कहते हैं? ओवर एब्जॉर्ब। कम है उसको क्या कहते हैं? अंडर एब्जॉर्ब। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं? कोई ऐसा इनकम जो बिजनेस का नहीं है, जैसे डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, डिविडेंड रिसीव, ये सब ऐड कर देंगे। कोई ऐसा खर्च है जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल रिटेनर, जो बिजनेस से संबंध नहीं रखता है, कोई ऐसा खर्चा है तो क्या कर देना? लेस। क्लोजिंग स्टॉक उल्टा कर दे, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो लेस, कम है तो ऐड। खाली क्लोजिंग स्टॉक उल्टा कर दे। कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। बाकी कोई भी स्टॉक उल्टा नहीं करते, खाली कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। एक सम आपको भेजे हैं, देखिए सर, जो लोग वीडियो से कर रहे हैं हम थंबनेल में लगा देंगे, वहाँ से आपको स्क्रीनशॉट मार के लिख के फिर सबको समझिए। देखिए क्या द एक कंपनी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ऊपर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, नीचे देखिए द कॉस्ट प्रॉफिट हाउएवर वाज ओनली 19,770। कॉस्ट का प्रॉफिट 19,770 है। रिकॉन्साइल द फाइनेंशियल अकाउंट कॉस्ट प्रॉफिट टू दिन द फॉलोइंग, रिकॉन्साइल करना है। नीचे देखिए इन कॉस्ट अकाउंट कितना बैलेंस है? 4,280। ऊपर मुंडे उठा के देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया? 4,080। दिखाई दे रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? ऊपर में डेबिट साइड दिखाई दे रहा, ऊपर में परचेस से लेस किया हुआ कितना है? 4,080। 4,000 और इसका कितना दिखाई दे रहा आपको? 4,280। 4,200 कॉस्ट का ज़्यादा है तो अब क्या बोलो? क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो लेस हो, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो क्या होगा? उसके बाद देखो वर्क एक्सपेंस इन द कॉस्ट अकाउंट वे टेकन 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लो, पहले इसका क्या करो? वैल्यू निकाल लो। देखो तो डायरेक्ट वेजेस कितना है? 10,500। 10,500 का 100% कितना आएगा? 10,500। हाथ से निकाल के दिए वहाँ 10,500 का 100% 10,500। वैल्यू निकाले, कंपेयर बाद में करेंगे। नीचे देखो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस चार्ज इन कॉस्ट 10% ऑफ सेल। सेलिंग एक्सपेंस 10% ऑफ सेल और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 0.10 पर यूनिट रेस्पेक्टिवली है ना। देखो तो क्रेडिट में सेल्स कितना ऊपर में 75 है, सेल्स कितना दिखाई दे रहा है? तो नीचे लिखे हैं सेलिंग एक्सपेंस 75,000 का 10% 7500 हाथ से दिखाई दे रहा। माने वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो वैल्यू निकाल लो फिर कंपेयर करो। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस क्या बोला? 0.10 पर यूनिट। देखो तो सेल का यूनिट कितना है? 50,000। सेल का यूनिट कितना है? देखो नीचे हाथ से निकाले हैं 50,000 × 0.10 कितना हुआ? 5,000। 50,000 × 0.10 कितना हुआ? अच्छा नीचे देखो डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, कंपेयर वापस से करते हैं एक बार, सवाल देखते हैं शुरू से। एडजस्टमेंट देखो शुरू से सारा कॉस्ट प्रॉफिट 19,770 लिख देंगे। कॉस्ट प्रॉफिट 19,770 यहाँ देखिए बोर्ड में कॉस्ट प्रॉफिट 19,700 ऊपर में ऐड होगा नीचे में लेस होगा। ऐड वाला को ऐड में लिखेंगे, लेस वाला को हाँ
कॉस्ट अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 4,280, कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज़्यादा है तो हम क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट में अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो लेस, कम है तो ऐड, तो क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू, ज़्यादा रहता तो ओवर वैल्यू, ज़्यादा रहता तो कितना है 4,280 है, ऊपर में कितना दिया 4,280, कितना ज़्यादा है 280 लेस में। फिर क्या देखिए वर्क एक्सपेंस, अभी अभी निकाले हैं ना 10,500, देखो तो ऊपर में मुंडी उठाकर वर्क एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 12,130 दिखाई दे रहा, दिया कितना 12,130 और एडजस्टमेंट में कितना 10,500, तो कम है ना, वर्क एक्सपेंस क्या है कम है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, वर्क एक्सपेंस 10,500 ऊपर में 12,130 कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो, वर्क एक्सपेंस अंडर रिकवर लिख देंगे या क्या लिखेंगे अंडर अब्जॉर्ब, क्या लिख देंगे तो 10,500 - 12,130 कितना आ रहा बताइए, 10,500 - 12,130 16,130। फिर क्या देखो ऊपर से 4,080 ऊपर में कितना 4,080 है, 4,080 लिखेंगे मिस्टेक से, 200 होगा ठीक है। चलो उसके बाद क्या है भाई सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस कितना निकाले थे हाथ से देखो तो 7,500, सेलिंग एक्सपेंस कितना निकाले थे 7,500, ऊपर में देखो कितना दिया हुआ सेलिंग एक्सपेंस, ऊपर में देखो सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 7,100 और एडजस्टमेंट में कितना 7,500, 7,000 कौन सा ज़्यादा है भाई एडजस्टमेंट वाला कौन सा ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है तो क्या होगा ऐड होगा, क्या होगा यहाँ देखो सेलिंग एक्सपेंस ओवर रिकवर्ड बोल सकते हो या ओवर अब्जॉर्ब बोल सकते हो, 7,500 - 7,100 कितना ऐड होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 5,000 है ऊपर में देखो तो कितना है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 5,340 तो कॉस्ट में कम है तो क्या होगा लेस, कम है तो क्या होगा यहाँ देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 5,000 - 5,340 कितना हो जाएगा 40। फिर क्या देखो डेप्रिसिएशन 800 ऊपर में देखो तो डेप्रिसिएशन कितना 1,100 कम है ना तो क्या होगा लेस, कितना कम है कम है तो अंडर चार्ज, ज़्यादा है तो ओवर चार्ज। अच्छा क्रेडिट में देखो फाइनेंस का ऊपर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग या क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव और प्रॉफिट ऑन सेल दिया है तो ये तो इनकम है जो अनकॉमन है तो इनकम रहेगा तो क्या बोले ऐड, खर्चा तो क्या कर देगा लेस तो ये ऐड हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फ्लैट। अब तो कुछ है नहीं, इसको जोड़ के बाहर करिए कितना हो रहा है, जोड़ के लिखें तो 3,000 19,770 और 3,000 कितना हो रहा है 22,770 और ये कितना हो रहा है जोड़ के बताइए माइनस वाला कितना हो रहा है 2,470 घटाइए 22,770 माइनस 2,470 कितना हो रहा है 20,000 ये जाके कंप्लीट। कभी कभी सम ऐसे बोलेगा लिख देगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट 19,770 लिख देगा सेलिंग एक्सपेंस ओवर एब जॉब डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस ओवर एब 400 वर्क एक्सपेंस अंडर एब जॉब डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू दे देगा तो ओवर वाला है तो ऐड हो जाएगा अंडर वाला है तो क्या हो जाएगा लेस और क्लोजिंग स्टॉक अंडर है तो ऐड ओवर है तो लेस डायरेक्ट भी बोल देगा ये तो कंपेयर करके आप निकाल रहे हो डायरेक्ट भी बोल देगा ऐसा लेंगे कि सेलिंग एक्सपेंस ओवर एब जॉब 400 ऐसे बोल देगा वर्क एक्सपेंस अंडर रिकवरी अंडर एब जॉब 1,630 तो क्या हवाले से डायरेक्ट समझ रहे हैं क्या क्लियर है कॉपी करिए।